नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क में हूँ। रात भर नींद नहीं आई तो सोचा कि बेकार अपना वक्त होटल के कमरे में बिताने से अच्छा है कि जब ये शहर जाग रहा है तब उस वक्त उठकर देखा जाए कि इसके क्रियाकलाप क्या हैं, और जब पौ फटने वाले हों तब किस तरह से ये शहर उन शहरियों के लिए तैयारी करता है जो सुबह सुबह अपने दफ्तरी जीवन की शुरुआत करते हैं और सफ़र पर निकलते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक बात का ख्याल आया कि क्या हम इन शहरों की इमारतों, सड़कों, वैभव, भव्यता की तुलना किए बगैर उसके बजाय हम यहाँ की व्यवस्थाओं की तुलना करें, उसकी नकल करें, उसे समझें और उससे भी बेहतर व्यवस्था बनाकर, नियमित व्यवस्था बनाकर हम अपने नागरिकों को दें जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो। ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए कि कोई सांसद विरोधी दल का है तो उसकी गिरफ्तारी अवैध रूप से हो जाए, कोई डॉक्टर आलोचना करता है तो उस पर अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA लगा दिया जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब आप समान अवसर सबके लिए पैदा करें तो समान अवसर में निहित है कि व्यवस्थाएं सबके लिए समान हों, वो राजनीतिक द्वेष पर, धर्म के आधार पर किसी को पीड़ित ना करें। अगर इस शहर में ऐसा हुआ होता तो मुमकिन ही नहीं था कि हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, चीन से, जापान से और दुनिया के अलग अलग मुमालिकों से मुमालिक से लोग यहाँ पर आएं और आकर बसते और अपनी एकदम शून्य से अपनी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है और अट्टालिकाएँ बनाई हैं और आसमान तक गए। वो सिर्फ इस वजह से गए हैं कि अमेरिका ने व्यवस्था और जो व्यवस्था का जो वितरण है सबके लिए समान रूप से किया है। जितना वो यहाँ के नागरिकों के लिए है उतना ही बाहर से आकर यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए है। ज़रूर उसमें खराबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, भेदभाव की खबरें हैं, वो सब भी हैं, लेकिन इनकी निरंतरता, कॉन्टीन्यूटी कहीं ज़्यादा है। और यही वजह है कि पीढ़ियों से हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान से भी यहाँ लोग आए हैं और दूसरे देशों से भी आए हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गुणात्मक बदलाव किए हैं जो शायद उनके देश में संभव नहीं था। तो इसलिए हम सबको ये देखने समझने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ और साथ साथ शहर के की तस्वीरों को आपको दिखाना चाहता हूँ। एक शहर जब जागता है तो वो सुबह सुबह उसका आलम कैसा होता है, आप इस वीडियो में उसकी एक झलक पा सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर 6 बज रहे होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक सड़कों पर अब दौड़ने लगे हैं। इनमें से ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हैं जो कूड़ा और कचरा यहाँ पर उठाती हैं। शहर साफ सुथरा है, मगर ऐसा भी नहीं है कि चारों तरफ चमक ही रहा है। इसकी गलियों में अगर आप जाकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको वो गंदगी भी दिख जाए और लगे कि हाँ, इतने बड़े शहर जिसका नाम दुनिया में इस तरह से है, वो उतना साफ नहीं है। लेकिन लोगों ने कुछ चीज़ें व्यवस्था के हिसाब से अपनी जगह पर हैं, जैसे कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हों या फिर इस तरह के डस्टबिन जो हैं, अब हमारे देश में भी बहुत हैं पर वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा लग रहा है कि सारा कचरा जो है वो यहाँ वहाँ फेंक कर जाने की आदत से अब ये कई दशक पहले ही मुक्त हो चुके हैं। लेकिन हर समय ऐसा नहीं था, एक समय ये शहर भी काफ़ी गंदे हुआ करते थे और धीरे धीरे बहुत जब इसमें समृद्धि आई तो समृद्धि के साथ साथ सफाई भी आती चली गई। तो इस वक्त जो मुझे दिख रही हैं वो ज़्यादातर शहर की दुकानों में सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ हैं और स्कूल की बसें हैं जिन्हें मैं दिखाना चाहता था, मगर इस वीडियो में अब वो रह गया है। पर आप देख सकते हैं कि ठीक हमारे हिंदुस्तान की तरह ही ये शहर भी सुबह सुबह जागता है। आप भारत के किसी भी शहर में जाएं तो आपको किसी खास चौराहे पर अखबार वाले जो हॉकर हैं वो अखबार समेट कर बांटने की तैयारी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर हॉकर तो मुझे नहीं दिखा। लेकिन आप देख सकते हैं कि चूँकि सुबह का आलम है तो फूलों की ये दुकान खुल गई है। $17 का एक फूल है, कोई $25 का है। तो देखिए लोगों ने
गुलदस्तों को किस तरह से सजाया हुआ, ये देखने की चीज है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर आकर आप देख सकेंगे, लेकिन जब आप एक शहर को देखते हैं तो उसकी रात को भी देखिए, उसकी सुबह को भी देखिए और उसकी शाम को भी देखिए, और खासकर ऐसे वक्त को भी देखिए कि जब शहर उठकर तैयारी करता है काम पर चलने के लिए, वो ज़रूर देखना चाहिए। तब उसका थोड़ा थोड़ा खालीपन भी दिखता है और धीरे धीरे वो भरता हुआ नज़र आता है, वो भी हम देखते हैं। और ये सीखने की बात है हमारे देश में। अब बहुत सारे लोग जब कोई भी नहीं रहता है तब भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यहाँ आमतौर पर ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन फिर भी लाल बत्ती होने पर मैंने कई लोगों को पैदल भी क्रॉस करते देखा है और गाड़ियों को भी क्रॉस करते हुए देखा है। यहाँ मेट्रो का बहुत अच्छा जाल है। न्यूयॉर्क को यहाँ की मेट्रो चलाती है, 125 साल से ज़्यादा पुरानी है, और सबवे जिसे कहते हैं उसका जाल इतना फैला हुआ है यहाँ पर, और लोग इतने आदि हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो सबवे में गए और कब यहाँ से वहाँ पहुँच गए। लेकिन बस सेवा भी है यहाँ पर वो मेट्रो की तुलना में तो प्रमुख नहीं कही जा सकती है। बसें नज़र आती हैं मगर हर जगह तो बसें नज़र नहीं भी आती हैं। कारों का आलम यह है कि ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप दिन के वक्त व्यस्त समय में, इनसे शहर भर जाता है और लोग जो हैं घंटों कारें चला रहे होते हैं पार्किंग खोजने के लिए। पार्किंग मिलती नहीं है, काफ़ी महंगी होती है जो पार्किंग होती है, तो इसलिए ये शहर जो है नीचे दौड़ रहा होता है। ज़्यादा बड़ी आबादी के हिसाब से देखें तो, ऊपर के हिसाब से देखें तो ये शहर बहुत धीरे धीरे रेंग रहा होता है। जिस तरह से आप दिल्ली शहर में देखते हैं या भारत के दूसरे शहरों में देखते हैं, कुछ बड़े शहरों में ही हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बाकी जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी सरकारी बसें हैं, मगर वो किसी योजना के अंतर्गत लाई गई 2-4 बसें हैं जो नागरिक की सुविधा के लिए कम, योजना के प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा नज़र आती हैं, कि इसमें नगर सेवा, अमृत शहर योजना, इस तरह का अमृत मिशन, अर्बन मिशन, इस तरह के नामों को ढोने वाली बसें होती हैं। तो इस तरह की बसों की व्यवस्था बनाई नहीं गई हमारे छोटे शहरों में, जहां पर लोग उसका पालन करें, इसका इस्तेमाल करें और धीरे धीरे उनकी आदत में शामिल हो जाए बसों में चलना। तो ये एक गाड़ी है जो कचरा उठाती है, जो चली गई। काफ़ी विशालकाय गाड़ियाँ हैं यहाँ पर, चूँकि काम का स्केल वैसा होगा, इमारतें ऊंची हैं तो गाड़ियों का स्तर भी जो है वो ऊंचा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो कूड़ा है उसे लोगों ने किस तरह से, दुकानदारों ने एक पैक करके रख दिया है कि जब गाड़ी आएगी तब ले जाएगी। तो चीज़ें हैं, हम भी कर रहे हैं अपने देश में, मगर उसका स्केल अभी बड़ा नहीं हुआ है, नियमित नहीं हुआ है। इसलिए बहुत ज़्यादा हैरान होने की भी बात नहीं कि ये सिर्फ न्यूयॉर्क में ही हो सकता है या वहीं पर हुआ है, पर ज़रूर ये प्रथम जगत है, इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। और पैसे रुपए का अनुपात से देखें तो हमारे पास अगर 100 है तो इनके पास 10,000 है या 1,00,000 है, तो इतना का फर्क तो है। तो इस वजह से यहाँ पर समृद्धि का स्तर कुछ अलग दिखता है, मगर समृद्धि की भी अपनी गरीबी होती है, ये हमें ध्यान में देने की रखने की ज़रूरत है कि बहुत समृद्ध देशों में भी लोग कार चलाते हुए गरीब हो सकते हैं, सूट और टाई पहनकर भी गरीब हो सकते हैं और उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ की दीवारों पर चैरिटी के आपको बहुत सारे पोस्टर नज़र आएंगे और लोग एक दूसरे की मदद के लिए मांग रहे होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ का सारा जीवन डॉलर के नए नोट की तरह चमकता नज़र आता है, इस जीवन की भी अपनी तकलीफें हैं, चुनौतियाँ हैं, संघर्ष हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी नए और बड़े शहर में जाएं तो उसकी भव्यता को देखें, और इसलिए ना देखें कि इसकी किसी एक इमारत की नकल करके हम अपनी नदी के बीच में बना दें या फिर रेलवे स्टेशन को वैसा चमका दें। हम ये भी देखें कि हमारे देश में जो आम लोग हैं उनके इस्तेमाल के लिए ट्रेन की सुविधाएँ कैसी हैं, या अब जो एक नया चलन चला है कि लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई विकास नहीं है, आम लोगों की सुविधाओं में कोई विकास नहीं है, ट्रेन
बहुत आम जगहों पर भारत में कोरोना के समय छोटी दूरी की रेलगाड़ियां बंद कर दी गईं, जिससे गरीब लोगों को बहुत तकलीफ हुई और ये मीडिया में बहुत आया भी नहीं, तो लोगों को पता नहीं चला कि देश के आम लोग इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मॉडल आ गया है कि पता है हुक्मरान को कि लोग जब भी हिंदुस्तान से ऐसे शहरों में आते हैं तो हताश हो जाते हैं, कुंठा में आ जाते हैं कि अरे हमारे देश में तो ऐसा कोई शहर नहीं है, इस तरह का स्टेशन नहीं है। तो नेताओं ने एक तरकीब सोची है कि वो रेलगाड़ी का जाल बहुत बेहतर नहीं करेंगे, लोगों की पहुंच में आ जाए वो नहीं करेंगे, मगर वो करते ये हैं कि स्टेशन को बहुत आधुनिक बना देंगे, उसमें शीशा का बहुत इस्तेमाल होगा, तो उसका बजट बता देंगे कि 1,000 करोड़, किसी आर्किटेक्ट का डिज़ाइन किया की हुई इमारत की तस्वीर आपको दिखा देंगे, फिर आपको लगेगा कि वाह क्या बढ़िया बात है, यहाँ पर हमारे यहाँ भी अमेरिका की जैसा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। और हम बहुत चकित हो जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक कुंठा हो जाती है कि हम न्यूयॉर्क जाते हैं, सिडनी जाते हैं, तो लगता है कि इस तरह के गुंबदाकार जो इमारतें हैं, रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। पर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि ये सब एक मॉडल है और ये आर्किटेक्ट के स्कूल में अब कोई भी जो नहीं भी पढ़ता है उसे भी इस तरह का मॉडल बनाना आ गया है। ये विकास की एक तस्वीर हो सकते हैं सेल्फी खींचने के लिए, मगर विकास का असली चेहरा नहीं है। विकास का असली चेहरा यह है कि नागरिक अपना समृद्ध जीवन जिए, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वो जो ऊंची सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल अपने पैसे से कर सके। आपके पास स्टेशन तक जाने के लिए पैसे ना हो, लोग गरीबी में हो, अपने बच्चों को पढ़ा ना पाएं, लेकिन आप स्टेशन की इमारत को इस तरह से चमकदार बना दें जैसा कि भारत में हो रहा है। इसके पीछे यही मनोविज्ञान है कि जब हम इस तरह के शहरों में जाते हैं, देखते हैं, तो आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं और कुंठित हो जाते हैं, अपने आप पर अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमारा कैसा देश है, हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम क्यों नहीं अच्छा कर सकते। हम बिल्कुल कर रहे हैं, हम बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें सुधार होती रहेगी। लेकिन ये जो हम नकल करने लग जाते हैं कि और नकल करने के क्रम में हम करते क्या हैं कि हम सुविधाओं का विस्तार नहीं करते, आर्थिक क्षमता का विस्तार नहीं करते, लेकिन हम इमारतों की कॉपी कर लेते हैं, तो बिल्डर को फायदा होता है, वो इमारत बन जाती है। जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान में नेताओं ने क्या किया है कि अस्पताल का वो बहुत ऐलान कर दिया, तो अस्पताल की बिल्डिंग तो तुरंत बन जाती है, और वो अब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो अब डिज़ाइन का इतना विकास हो चुका है कि वो देखने में अच्छी लगती है, तो आप उसे हैरानी की तरह देखते हैं कि अरे ऐसा सेमिनार हॉल बन गया, ऐसी इमारत बन गई, इस तरह का रेलवे स्टेशन बन गया, प्रधानमंत्री हवाई यात्रियों की जो दुविधा है, तकलीफ है, उस पर नहीं बोलेंगे। अभी छठ के समय, त्योहारों के समय 20,000 रुपये के हवाई टिकट हो गए, उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हवाई अड्डा बना है बेंगलुरु में उसकी तस्वीर वो ज़रूर ट्वीट करेंगे ताकि वो देश का वैभव दिखा सकें। वो वैभव का प्रतीक है मगर वैभव नहीं है। लोगों से जबरन इस तरह से 25,000 रुपये त्योहारों के नाम पर लिए गए, वो उसे आप नहीं बोल रहे हैं। तो एक तरह से ये जो असंतुलन पैदा हो रहा है उसे हमें थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में रखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम ऐसे बड़े किसी शहर में आएं तो देखें ज़रूर, चाहें ज़रूर कि इसकी जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे देश में लागू हों। जैसे मैं चाहूँगा कि अगर आप न्यूयॉर्क की नकल करना चाहें भारत में, तो ये नकल कीजिए कि ये शहर अपने आप को साफ़ सुथरा रखने में, हर किसी को साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए और एक अच्छी सड़क व्यवस्था बनाकर देने के लिए, सड़कों के नाम की व्यवस्था बनाकर देने के लिए, जो इसकी व्यवस्थाएं हैं उसकी हमारे यहाँ अगर नकल हो तो सुधार होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे इसके किसी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की नकल कर लें, वो बिल्डिंग बन जाएगी क्योंकि अब हर बिल्डर के पास ऐसे सामान। ये स्कूल बस है जो मुझे विशेष तौर पर बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी मजबूत नज़र आता है। हमारे देश में अगर आप देखें तो अलग अलग राज्यों में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ख़राब और कमज़ोर गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनकी ज़िंदगी हमेशा ख़तरे में रहती है और कई बार सर्दी के दिनों में दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों को और अपने देश के लिए पहले चाहिए जो आप कल्पना करें, ख्वाब देखें, वो व्यवस्था की कल्पना करें। जब व्यवस्था सबके लिए बराबर होगी तो हम और आप अपनी क्षमताओं का अपने आप उसे आकाश तक पहुंचा देंगे, अपनी क्षमताओं को, और उसका विस्तार करेंगे, हम भी बड़े बिजनेस खड़े कर सकेंगे। लेकिन आप देखिए किसी एक के लिए व्यवस्था है, बाकी के लिए नहीं है। जिसके पास पैसा है, पैरवी है, उसके लिए व्यवस्था है, जो विरोधी है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। उसे आप फर्जी केस में फंसा दीजिए, जेल में डाल दीजिए, जैसा कि संजय राउत के साथ हुआ, अवैध रूप से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी अवैध हो गई,
तो इस तरह की चीज ना हो हमारे देश में, हम इसकी कल्पना करें। तो जब व्यवस्था इन सब यातनाओं से मुक्त हो जाएगी, हम बहुत सुंदर और इससे भी ज्यादा हासिल कर लेंगे।